अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होममेड फूड। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मैक्रोनी रोल। इसके लिए सबसे पहले मैं एक बाउल ले लूँगी, इसमें डाल दूँगी 1/2 kg चिकन जिसे मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। बॉईल करते हुए सिर्फ मैंने 1 tablespoon इसमें सॉल्ट ऐड किया। अब मैं 4 खाने की चम्मच दही ऐड कर दूँगी, 2 खाने की चम्मच चिकन टिक्का मसाला पाउडर, 1 खाने की चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक हसबे ज़ायका ऐड करें, गरम मसाला पाउडर 1 tablespoon, 3 tablespoon ऑयल ऐड कर दूंगी। 3 tablespoon ही मैं ऑयस्टर सॉस ऐड कर दूंगी, अगर आपके पास हो तो आप ऐड करें वरना ना करें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे बस 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दें। दूसरी साइड मैंने इसका सॉस रेडी कर लिया जिसमें मैंने 1/2 cup दही ली। इसके बाद अब मैं इसके अंदर 2 tablespoon मेयोनीज़ ऐड कर दूंगी। मैंने स्मोकी फ्लेवर की मेयोनीज़ ली है, आप कोई भी फ्लेवर की मेयोनीज़ यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मसाले, नमक हसबे ज़ायका, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला 1/1 teaspoon है। नमक के अलावा सारे मसाले 1 teaspoon है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। दूसरी साइड पे मैंने एक बाउल लिया, उसके अंदर 4 cup मैदा डाल दिया जिस मैंने छान लिया था। अब मैं उसके अंदर 4 tablespoon ऑयल ऐड कर दूंगी। 1/2 tablespoon सॉल्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसकी जैसे हम घर में पराठों के लिए आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही गूंद लें। ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। दूसरी साइड पर मैंने जो चिकन मैरिनेट होने के लिए रखी थी 1/2 घंटे के लिए, अब मैंने फ्राई पैन लिया, उसके अंदर डाल दिया 2 tablespoon ऑयल और चिकन ऐड कर दिया उसके अंदर, और इसे 5 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया। इस चिकन को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी बॉयल्ड है। 5 मिनट ही मैंने इसे कुक किया और फिर बीच में स्पेस बना के एक फॉइल का पीस रख दिया, और फिर दूसरी साइड पर मैंने कोयला गर्म कर लिया था। गरम कोयले को मैंने इसके ऊपर रखा और थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको फौरन ही बंद कर देना है ताकि स्मोक बाहर ना जाए। अब मैंने 5 मिनट ही इसको बहुत लो फ्लेम पे अच्छे से स्मोक दी, और फिर उसके बाद अब मैंने मैक्रोनी इसके अंदर ऐड कर दी। मैक्रोनी मैंने 1 cup ली थी जिसे मैंने सादे पानी में बॉयल कर लिया था। अब मैं इसके अंदर 4 चम्मच दही के डाल दूँगी, ये चम्मच थोड़े बड़े हैं, नमक हसबे ज़ायका और कुटी हुई लाल मिर्च 1 tablespoon ऐड कर दूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप मैक्रोनी को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छा टेक्सचर देती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है रोल में। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें। इसके बाद अब मैंने डो ले ली जो हमने गूंदी थी, मैंने इसे 1/2 घंटे का रेस्ट दे दिया था। अब मैं इसे एक बार अच्छे से गूंद लूँगी। और इसके ऊपर मैदा डस्ट करके इसके पेड़े बना लूँगी। जिस साइज़ का आपको पराठा चाहिए उसी साइज़ के आप पेड़े बना लें इसके। इस तरह से मैंने पेड़े बना लिए। इस साइज़ के मेरे तकरीबन 12 पेड़े बने थे। अब मैं ऐसे एक पराठे की तरह बेल लूँगी, जितनी चौड़ाई और मोटाई एक पराठे की होती है उसी तरह से बेल लूँगी। अब मैं ऐसे गरम तवे पे डाल दूँगी जिसका फ्लेम हाई है, ऐसे पलट कर इस पर अब मैं ऑयल लगा दूंगी और इसे अच्छे से पूरे पराठे पे फैला दूंगी। अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी और यहाँ पे भी ऑयल लगा दूंगी और फिर इसे पूरे पराठे पे अच्छे से फैला दूंगी।
पराठा रेडी है, अब मैं इसे उतार लूँगी। अब मैंने प्रिपरेशन में चिकन और मैक्रोनी का जो बैटर था वो लिया है, अनियन रिंग्स ले ली मैंने, खीरे को बिल्कुल बारीक काट लिया। आप अपने मर्ज़ी की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर सॉस भी ऐड किया है। सॉस ऐड करेंगे सबसे पहले पराठे के ऊपर और इसको अच्छे से पूरे पराठे पे फैला देंगे। अब मैं इसके ऊपर चिकन मैक्रोनी का जो बैटर है वो ऐड कर दूंगी। इसको इस तरीके से रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर जो हमने क्यूकम्बर काटा था बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में वो ऐड कर दूंगी। अनियन रिंग्स ऐड कर दें। इसके अंदर चाहें तो आप फ्रेंच फ्राइज़ भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड किए थे बट वो मुझसे क्लिप मिस हो गया इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। अब इसे रोल कर दें। ये देखें आपका डिलीशियस चिकन मैक्रोनी रोल बनके तैयार है। आप इसे एंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।